इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी लेखिका और निर्देशिका तनुजा चंद्रा। तनुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती पर आपका। तनुजा जी, करीब करीब सिंगल किस तरह की बात कहती है? मेरे लिए ये इस किस्म की पहली फिल्म है, क्योंकि अब तक मैं जो थ्रिलर जिसमें काफी खून खराबा होता है और मारपीट होती है वैसी बनाती आई हूँ। ये रोमकॉम है लेकिन एक हिंदुस्तानी रोमकॉम है, एक फनी तरीके से लेकिन एक रियलिस्टिक जोन में प्यार में पड़ना शुरू होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए इसका नाम करीब करीब सिंगल है, क्योंकि वो एक जो टाइम पीरियड होता है जब आप किसी से मिले हों और उसके बाद रिश्ता बनना ही शुरू हुआ है या बनेगा भी या नहीं ये पता भी नहीं, उस फेज की कहानी है जहाँ ये दो लोग एक जर्नी पे निकलते हैं, मतलब एक सफर करते हैं, एक देसी सफर इंडिया में ही, और दोनों के लिए ही पहला प्यार नहीं है। तो उस तरह से भी एक रियलिस्टिक इन द सेंस कि जैसे बोलते हैं कि पहला प्यार ही जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है एंड ऑल दैट, उस तरह की कहानी नहीं है। दोनों के लिए पहला प्यार बहुत पहले खत्म हो गया था और अब जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो यू नो ही इज अ वेरी, इरफान का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ही इज अ शायर, जिसके दिमाग में जो आता है वो बोल देता है, वो अब बिल्कुल मतलब किसी चीज में अपने आप को सेंसर नहीं करता है, केयरफुली बात नहीं करता, और वो थोड़ी सी अलग है। वो उसने एक्चुअली डेटिंग गेम किया नहीं है बिल्कुल, है तो बहुत ही सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमन लेकिन प्यार के मामले में थोड़ी सी नर्वस और वल्नरेबल है। तो इस तरह के दो लोग सफर पे निकलते हैं, उसकी कहानी जी। इतने सालों बाद आप डायरेक्शन में वापस लौटी हैं, इस बीच में क्या चल रहा था तनुजा? ये सवाल मुझसे इतने लोगों ने पूछा है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि डायरेक्टर का काम सिर्फ एक्शन और कट के बीच का काम होता है। एक्चुअली डायरेक्टर का काम एटलीस्ट पिक्चर के वो एक्शन और कट से कई साल पहले शुरू होता है हर प्रोजेक्ट पे। बिल्कुल। इसी प्रोजेक्ट का स्क्रीन प्ले पे काम मैंने और मेरी को राइटर गजल हमने 3 साल पहले शुरू किया था। उसके बाद फिर डायरेक्टर को मिलना होता है एक्टर से, एक्टर को मिलने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, फिर उसके बाद डेट मिलने में और भी समय लग जाता है जबकि वो एक्टर हाँ कहे तो, और उसके बाद फिर आप प्रोड्यूसर से मिलते हैं। तो इन सब चीजों में एक्चुअली बहुत वक्त लगता है और ये काम एक्चुअली प्रॉपर काम है, ऐसा नहीं है कि ये काम अवॉइड हो सकता है, ये काम डायरेक्टर को करना ही पड़ता है। तो इस काम में भी मतलब काफी समय लग जाता है। तो इन सालों में मैं ये सब कर रही थी, मैंने स्क्रिप्ट पे काम किया और उनमें से एक तो ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी और दूसरी भी शुरू होने वाली थी लेकिन वेरियस रीजंस की वजह से वो रुक गई और बनी नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट है हमारे पास और स्क्रिप्ट कभी वेस्ट नहीं जाती तो वो तो बनेगी ही कभी ना कभी। ये वाली बन गई जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए ये एक अलग किस्म की फिल्म है मेरे करियर में। और उसके अलावा फिर मैंने एक बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, मार्च में आई थी, जो असली ट्रू स्टोरीज थी जो मेरी अपनी फैमिली में मेरे चाचा मौसा कजिन इन सब ने मुझे सुनाई थी। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग की स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, जो कि कुछ कुछ तो लोगों ने यकीन ही नहीं किया, मुझसे पूछा कि ये एक्चुअली हुआ था क्या ऐसा मुझे नहीं पता, मुझे जिसने सुनाई ये कहानी उसने कहा था कि पक्का हुआ था। तो वो मैंने लिखी, मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई किसी भी जरिए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म का मार्केट अलग होता है फीचर फिल्म के मार्केट से। ये सब करती रही इतने साल जो कि आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सहज जिज्ञासा है कि ये जो किताब है ये तो हिंदी में भी आनी चाहिए, तो कब आएगी, कैसे आएगी? हिंदी में भी पक्का आनी चाहिए लेकिन पब्लिशिंग की दुनिया अलग है एक्चुअली फिल्म की दुनिया से। फिल्म में मेरा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है पब्लिशिंग, ये मेरी पहली बुक थी, तो आई होप कि हिंदी में इसका अनुवाद हो और पब्लिश हो। मेरी मदर जिन्होंने ये करीब करीब सिंगल की कहानी लिखी है, उन्होंने एक्चुअली 20 साल पहले एक छोटा सा रेडियो प्ले लिखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसकी कहानी बहुत क्यूट थी और फनी थी और दिल को छूने वाली, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि आई वांटेड टू मेक दैट इनटू अ मूवी। उस पे हमने फिर स्क्रीन प्ले पे काम किया था। मेरी मदर ने एक्चुअली बहुत कम लेकिन बहुत अच्छी पिक्चरें लिखी हैं, जैसे कि प्रेम रोग एंड चांदनी एंड 1942 अ लव स्टोरी, तो उनकी ही कहानी है, तो आई होप कि वो ही ट्रांसलेट करें शॉर्ट स्टोरीज को और फिर पब्लिश हो, बट आई होप। नहीं, लेकिन ये अच्छा लगा कि आपने अपने परिवार की लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया, जहां कामना जी रेडियो के लिए लिखते हुए फिर बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं, और मैं बस उसी बात पर आ रहा था, आपने उसका जिक्र कर दिया। आपके भाई विक्रम बड़े राइटर हैं जी,
तो अनुपमा जो है वो फिल्म क्रिटिक है, तो वो भी राइटर है एक्चुअली, उन्होंने भी 3 पुस्तकें लिखी हैं, बट उनकी नॉन फिक्शन होती है हमेशा। एक तो शोले की मेकिंग पे थी विच वन द नेशनल अवार्ड एक्चुअली, और एक और शाहरुख की बायोग्राफी एंड एक और अबाउट फिल्म वर्ल्ड, तो दे ऑल आर राइटर्स। एंड इनफैक्ट अभी तो मेरे भाई की जो लेटेस्ट बुक थी वो एक सीरीज भी बन रही है। तो बेसिकली राइटिंग तो हमारी शुरू से ही हमारा न सिर्फ शौक रहा है बट एक्चुअली मतलब काम रहा है हमेशा लाइफ में। राइटिंग तो खून में है ऐसा बोला जा सकता है। हाँ बोला जा सकता है। तनुजा आप जो हैं वो बड़ी इंटेंस फिल्म बनाने के लिए जानी जाती हैं, जो अब तक की आपकी फिल्मोग्राफी है उसमें काफी इंटेंस फिल्में, चाहे वो आपने डायरेक्ट की हो या आपने लिखी हो, जख्म जैसी फिल्म या आपकी डायरेक्टेड दुश्मन या दिल तो पागल है, काफी इंटेंस फिल्म है। क्या ये जो बीच का दौर था ये एक डायरेक्टर एक राइटर एक सेंसिटिव इंसान के लिए खुद को रीडिस्कवर करने का दौर था? हमेशा, वो तो एक्चुअली उसमें एक कोई दौर नहीं होता, वो तो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस चलती रहती है जिसमें आप ना सिर्फ रीडिस्कवर कर रहे हैं बट ऑल्सो आप सीख रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो फिर आप मतलब टच में नहीं रहेंगे जो कि जो आज के समय में हो रहा है, जो आज की कहानियां लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते रहेंगे तो देन यू विल समवेयर फॉल बिहाइंड, यू नो। तो वो सब तो कॉन्स्टेंटली शुरू से ही, इट्स नॉट जस्ट की सिर्फ इस दौर में, बट शुरू से ही वो तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बट यस, इस दौर में मेरा जो एक चीज जो बदली है वो ये है कि इंटेंस फिल्म से लेके थोड़ा सा लाइटर जोन में सॉर्ट ऑफ एंट्री लेना, और मैं हमेशा से चाहती थी ये करना, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअली एक लाइटर फिल्म या एक क्यूट फनी फिल्म जिसको जो ऑडियंस को चार्म करे, ये करना एक्चुअली इंटेंस फिल्म से बनाना ज्यादा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं 100% जानती हूँ है, क्योंकि इंटेंस और ड्रामा तो एक्चुअली एक तरह से मेरा नेचुरल जोन भी रहा है और वो मैं फिर से जरूर करना चाहूंगी, थ्रिलर जोन, इंटेंस जोन जिसमें सॉलिड मतलब डीप ड्रामा एंड ऑल दैट, तो वो तो मैं फिर से करना चाहूंगी और वो मेरा नेचुरल जोन रहा है। लेकिन ये चीज मेरे लिए एक नई दिशा है टू डू अ काइंड ऑफ अ क्यूटर फनियर लाइट फिल्म जो जिससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाए। लेकिन मेरे लिए पर्सनली एज अ डायरेक्टर एक रियलिस्टिक जोन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज द ओनली काइंड ऑफ फिल्म आई कैन मेक जहाँ जिस तरह से रिलेशनशिप्स हो, इंटरेक्शन हो, वो कहीं ना कहीं असली जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। एंड फ्रेंकली यू नो, लोग समझते हैं कि असली जिंदगी में ड्रामा नहीं होता, भरपूर ड्रामा होता है और वो चीजें होती है जो एक्चुअली फिक्शन में नहीं होती। सही है। फिक्शन भी एक्चुअली असली जिंदगी से ही तो आता है, और कहाँ से आता है। तो आई थिंक कि वो रियलिस्टिक जोन में रहना एक्चुअली इज फार मोर इंटरेस्टिंग टू मी रादर देन एक फैंटेसी जोन। एक सवाल ये पता नहीं इस तरह से पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि एज अ विमेन डायरेक्टर मुंबई फिल्म उद्योग में आपकी शुरुआत के जमाने में क्या चैलेंजेस थे और क्या अब तक कुछ बदलाव आया है? हाँ आया तो है, लेकिन उस स्पीड से जिससे आना चाहिए था उस स्पीड से नहीं आया। जब मैं शुरुआत में तो ऑफकोर्स 4-5 ही महिला निर्देशिकाएं होंगी, उस समय जो मैंने फिल्में बनाई ऑनेस्टली दे वर लिटल अहेड ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो फिल्में अगर आज रिलीज होती तो आई थिंक दे वुड एक्चुअली बी एक्सेप्टेड मच मोर इवन, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्में बहुत कम बनती थी, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स महेश भट, पूजा भट, ये उस तरह से विजनरी लोग हैं जिन्होंने उस समय भी पसंद किया ऐसी फिल्में बनाना, प्रोड्यूस करना, तो ये मेरे लिए मुमकिन हो पाया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती। लेकिन अब क्या है कि अब एक्चुअली उस समय में यू नो आई हैड टू हैव अ हीरो, जो कि जिसके तो क्या होता है कि औरत की कहानी में अगर आप हीरो को कभी कभी आपको फिर घुसाना पड़ता है, और फिर उसका भी एक ट्रैक, एक लव ट्रैक जो कि कभी कभी फिल्म की स्क्रिप्ट में बिलोंग नहीं करता, समझता हूं, तो वो आपको डालना पड़ता है। एंड अब मुझे लगता है कि अब पॉसिबल है कि आप एक फीमेल स्टोरी बनाएं जिसमें जरूरी नहीं है कि उसमें आप एक सपोर्टिंग रोल में डाल सकते हैं यू नो मेल को, और फिर उसमें आपको किसी बड़े हीरो को कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़ी हेरोइन को या स्टार को कास्ट करने की जरूरत अब भी पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी अननोन के साथ बनाएंगे तो उसके लिए फंडिंग आपको नहीं मिलेगी। उस समय 2 स्टार लेने पड़ते थे, अब एक स्टार से काम चल जाता है। यानी इतना बदलाव आया है। फिर भी जितनी बननी चाहिए औरतों की कहानियां उतनी नहीं बन रही बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ये चीज अभी अगर जो शुरू हो गई है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो इससे मुझे बेहद खुशी है। मैंने वो केम इन माय वे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इससे डायरेक्ट नहीं करवा सकते, औरत को डायरेक्शन थोड़ी आता है नॉल, तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं हुई थी। फिर भी तो इट्स नॉट सो मच कि फीमेल डायरेक्टर के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन इतना होता है, लेकिन
सब्जेक्ट के प्रति पक्का, और वो चाहे मेल डायरेक्टर बनाए या फीमेल डायरेक्टर बनाए, अगर आपका सब्जेक्ट अलग है या अनयूजुअल है या थोड़ा सा जिसको हम रिस्की कह सकते हैं, उसके लिए लोग थोड़ा झिझकते हैं बनाने के लिए अब भी। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात कही है। आखिरी सवाल है और वो ये है कि जिस तरह के जमाने में हम जी रहे हैं, अब बड़ा सिनेमा और छोटा सिनेमा सब सर्वाइव कर रहे हैं, उनके सामने मौके हैं, अलग अलग मीडियम्स हैं सिनेमा के, अब ये भी हो गया कि हम मोबाइल पर और अपने टैबलेट्स पर स्ट्रीमिंग के जरिए चीजें देख सकते हैं, वेब सीरीज आ गई, ऐसे में एक डायरेक्टर के लिए कितनी सहूलियत हो गई है अलग अलग सब्जेक्ट पर अपनी बात कहने की? बहुत, एक्चुअली काफी सहूलियत हो गई है। इनफैक्ट ना सिर्फ आप अपने स्मार्टफोन पे फिल्म देख सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन से फिल्म शूट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बन भी रही है। हाँ, बन रही है, और ये कितनी कमाल की बात है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको फ्रीडम बहुत मिलता है आप, क्योंकि आपका रिस्क उतना कम है। इनफैक्ट जो बड़ी फिल्में हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि आपने इतना पैसा खर्चा किया है, उसे डबल बनाना पड़ेगा। लेकिन छोटी पिक्चर में या इवन मीडियम बजट पिक्चर में आप अपने सब्जेक्ट को लेकर एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है। और क्या होता है कि इसमें फायदा ये है कि रिस्क एक्चुअली पुरानी चीज को फिर से सुनाने में है सबसे बड़ा रिस्क। इस बात में कम रिस्क है कि आप कुछ अनयूजुअल कहानी सोचें, किसी और अलग तरीके से उसको बनाएं। तो आई थिंक कि डिजिटल मीडियम, आई मीन अब तो हम शूट भी डिजिटल करते हैं, उसमें मी एज अ डायरेक्टर आई रिमेम्बर माई सेल्फ की दुश्मन के टाइम या संघर्ष के टाइम, मुझे चौथे या पांचवे टेक के बाद एट द बैक ऑफ माई हेड देयर वाज ऑलवेज दिस कि अब लिमिटेड फिल्म है, इसमें अब मेरा छठा जो टेक होगा उसके बाद मुझे ओके करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो है आप ले लीजिए जितने भी टेक्स आपको लेने हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि डिजिटल मीडियम इज चीप, इट कैन बी रीयूज्ड, और इसमें आपको बहुत फ्रीडम है। दो कैमरास भी हो सकते हैं, टाइम का की लिमिट तो अभी भी है, लेकिन फ्रीडम भी बहुत है। वेब सीरीज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि ये जो एक हवा नहीं बनना चाहिए इसका, इन द सेंस कि सब सोचने लगे कि हाँ वेब सीरीज, लेकिन उसमें एक्चुअली मेहनत और करनी पड़ेगी, उसमें और शिद्दत से काम करना, लोगों को एंगेज करने के लिए, क्योंकि एक भेड़ चाल शुरू हो गई है। नहीं, और ये आइडिया कि किसी ने मुझे एक्चुअली कहा था कि आई सेड, मैं दो साल पहले जब मैंने किसी से पूछा था कि हाई दिस वेब सीरीज बिजनेस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या क्या हो रहा है बताइए, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ वेब सीरीज में आप मतलब यू कैन यूज अब्यूसिव वर्ड्स एंड इन टीवी यू कैन नॉट, मतलब ये फिलोसफी चल रही है अभी। एक्चुअली टेलीविजन के लिए भी, सिनेमा के लिए भी, वेब सीरीज के लिए भी आप कुछ भी बनाएं, लेकिन कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी, और कहानी ही चीज है जो दिल को जोड़ती है, यू नो, कहानी में ही दम होना चाहिए, फिर उसको आप बेशक अपने तरीके से बनाएं और उसको इंटरेस्टिंग मॉडर्न तरीके से बनाएं, शूट करें, लेकिन राइटिंग बाय फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको नेटफ्लिक्स से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन राइटिंग से एक अमेजिंग मास्क बनाया अपने लिए। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई और बहुत अच्छे मुद्दे निकल कर सामने आए तनुजा जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटी मुलाकात थी। बहुत बहुत धन्यवाद तनुजा जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी जानी मानी लेखिका और निर्देशिका तनुजा चंद्रा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत। तकनीकी सहयोगी थी वंदना ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनसे मिलिए।